नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभा, बिहार में सिवान जिले से। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। मेरे चैनल का नाम है शोभा की रसोई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। आज मैं क्या बनाने वाली हूं तो आप सभी को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं अपने किचन में बहुत हेल्दी और रेसिपी, बहुत टेस्टिंग टमाटर सॉस। तो हम टमाटर सॉस बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं और बढ़िया से इसे धो लिए। देखिए कितना ताजा है, ये गूदा वाली है ये, तो इसको हम धो लिए। 2 से 3 हमने गाजर लिए हैं, इसको भी छिलके से, इस छिलके इस पर से हटा लिए हैं। यहाँ पे हमने लाल मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च है, लाल हो गया है तो उसको भी हमने ले लिए है। यहाँ पे अदरक को हमने काट कर अच्छे से ले लिए, छील लिए हैं, इसको छिलका हटा लिए हैं। यहाँ पे हम 4 से 5 सूखी मिर्च लिए हैं, तीखा वाली नहीं है ज्यादा, थोड़ा नॉर्मल है। यहाँ पे लहसुन हमने 2 पोटली छील लिए हैं। तो इन सभी चीजों को हम कट कर लेते हैं, इसको हम बनाएंगे टमाटर सॉस। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, लाइक करे, ढेर सारा शेयर करे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पूरे वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा, तो हम कैसे आप लोगों को मेरा काम है सिखाना, तो हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं टमाटर सॉस बनाने के लिए। बहुत हेल्दी बहुत रेसिपी हमने बना रहे हैं ये टमाटर सॉस। बच्चों सबका तो बहुत पसंद भी आता है टमाटर सॉस, रोटी से भी खाते हैं, बहुत इस तरह खाते हैं, कोई चीज के साथ खा सकते हैं टमाटर सॉस। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना अपने टमाटर सॉस को। इसे हम सभी चीजों को काट लेते हैं छोटे छोटे पीसों में। तो देखिए दोस्तों, हमने सभी चीजों को अच्छे से धो करके कट कर लिया है। यहाँ पे हरी मिर्च जो हमने, हरी मिर्च जो रहता है उसमें मिर्च जो पक जाता है, वही मिर्च को हमने लिए है। देखिए यहाँ पे टमाटर को बढ़िया से हमने काट कर लिए है, अदरक को काट लिया है, यहाँ पे हमने गाजर को अच्छे से काट कर लिए हैं। गाजर तो बहुत बच्चे पसंद करते हैं खाने में, तो हम इसीलिए गाजर को यूज कर रहे हैं। तो गाजर हम डाल करके टमाटर सॉस बनाएंगे तो बहुत टेस्ट इसका गाजर से बढ़ जाएगा, तो बच्चे पसंद से बहुत खाते हैं, तो इसलिए हमने गाजर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज को बारीक बारीक लंबे लंबे पीसेस में काट लिए है। यहाँ पे हमने लिए है कल्ला नमक, कस्तूरी लाल मिर्च, यहाँ पे काली मिर्च लिए हैं खड़ा, यहाँ पे थोड़ी सी हमने जीरा लिए हैं, जीरा लिए हैं, चीनी दाल लिए हैं, 2 लौंग लिए हैं यहाँ पे छोटी छोटी वाली लौंग, तो इसको भी हम कूट करके छोटी एक सूती कटन कपड़ा में पोटली में बांध करके उसमें डाल करके उसे हम पकाएंगे। तो चले हम शुरू कर दो। यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर लिए हैं, गैस पर एक छोटे वाला पैन रख दिए हैं, पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं छोटी एक बॉल में, आधी बॉल हमने पानी लिए हैं, इसमें हम डाल देते हैं प्याज और हम ये सभी चीजों को काट कर रखे हैं, टमाटर, गाजर, मिर्चा, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च सूखा, तो इन सभी चीजों को इसमें डाल करके हम पका लेते हैं अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो गरम मसाले लिए हैं उसको कूट करके सूती कॉटन कपड़ा लिए हैं उसको इसमें रख लिए हैं, इसको पोटली बांध देते हैं, पोटली को इसके अंदर डाल देते हैं, इससे बहुत सुंदर टेस्ट आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने एक पोटली को अच्छे से बांध लिए हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे बीच में डाल देते हैं पोटली को, इसके बाद हमने सभी चीजों को चला लेते हैं। इसमें हम कोई रिफाइन या बटर घी का जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी से हम बना रहे हैं टमाटर सॉस, बहुत टेस्टिंग बहुत स्वादिष्ट। तो प्लीज प्लीज अपने घर पर एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, अपने खाइएगा, अपने बच्चों को जरूर से जरूर खिलाइएगा, एक बार आप लोग बच्चों को बना करके खिला दीजिएगा टमाटर सॉस,
आप लोग बच्चे बार बार मांगेंगे टमाटर सॉस। तो इसे चले हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 5 मिनट हो गया है। तो देखिए ये हमारा टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा अच्छे से और गाजर ये बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। इसमें का पानी भी सूख गया है अच्छे से। तो अपने गैस को ऑफ कर लेते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाए तो इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। आप लोग एक बात की ध्यान रखिए कि इसे कभी भी गर्म मिक्सी जार में नहीं पीसिएगा, थोड़ा ठंडा ही होने पर आप मिक्सी जार चलाइए उस पर। तो देखिए पास दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर है टमाटर सॉस, बहुत सुंदर है। गरम मसाला जो हमने डाले हैं वो अंदर पोटली में, उसको भी हम निकाल करके हटा लेते हैं। इसको किसी सब्जी या किसी चीज में हम यूज कर सकते हैं। तो इसको पोटली को हम निकाल लेते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों ये पोटली है, उसको हम हटा लेते हैं और इसको कोई सब्जी उब्जी में इस मसाले को डाल देंगे। तो देखिए हमने निकाल लिए, एक छोटे वाले थर्मस लिए हैं उसमें निकाल दिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद मिक्सी जार में इसे हम पीस लेंगे, बहुत बारीक हमने पीसना है सॉफ्ट। तो देखिए दोस्तों हमने मिक्सी जार में इस टमाटर को पीस लिए, देखिए कितना सॉफ्ट हमारा ये टमाटर, सभी चीज़ों को हमने पीस कर सॉफ्ट बना लिए हैं। अब एक छन्नी से, चाय छन्नी, बड़े वाला चाय छन्नी से हम इसे छान लेते हैं ताकि इसमें खोया रहे, तो मोटा वाला कोई दाना रह गया होगा तो उस भी निकल जाएगा छन्नी से। तो चलिए हम इसे छान लेते हैं, दूसरा बर्तन में छान कर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने छन्नी से छान लेते हैं इससे, चाय वाला छन्नी से, तो थोड़ा थोड़ा मोटा निकल रहा है। तो उसको फिर से हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो ये बैटर को हम नहीं करेंगे, देखिए थोड़ा मोटा निकल रहा है, तो इसको हम फिर से दोबारा से पीस लेंगे मोटा वाला। तो देखिए दोस्तों हमने छन्नी से छान लिया, देखिए हमारा ये टमाटर सॉस कितना सॉफ्ट पीस कर हमने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मोटा वाला निकल गया है, तो इसे हम फिर से पीस लेते हैं। देखिए मिक्सी की जार में डाल देते हैं, इसे फिर से हमें अच्छे से पीस लेना है। तो देखिए दोस्तों हमने सभी को अच्छे से पीस लिए हैं, देखिए कितना सुंदर हमने बारीक सॉफ्ट पीसे हैं। तो चलते हैं अपने चूल्हे के पास, उसी पैन में हमने टमाटर सॉस को रख दिए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच लिए हैं, छोटे छोटे चम्मच से लिए हैं 2 चम्मच, नॉर्मल नमक यहाँ पर लिए हैं, सेला नमक यहाँ पर लिए हैं हमने, कस्तूरी लाल मिर्च इसको हम ऐड कर देते हैं थोड़ा कलर आने के लिए। यहाँ पे हमने एक बॉल लिए छोटा वाला, इस बॉल में हम लिए हैं आधा बॉल चीनी, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसे हम धीरे धीरे हम पकाएंगे इसी तरह, कोई कलर इसमें हम नहीं डालेंगे, तो कलर चेंज होते जाएगा। तो इसे हम पका लेते हैं। तो प्लीज एक बार जरूर टमाटर सॉस बनाने को अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। देखिए बहुत आसान तरीका से हमने बना रहे हैं टमाटर सॉस, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसमें डाले हैं गाजर, गाजर के बच्चे सब पसंद से खाते हैं, इसलिए इसमें हम डाल दिए हैं गाजर। तो चलिए हम इसको अच्छे से पका लेते हैं धीमी धीमी आग पर। देखिए दोस्तों हमने थोड़ी सी नॉर्मल पानी लिए हैं 2-3 चम्मच है, तो इसको हम डाल देते हैं, ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। अब इतने हम धीमी धीमी आँच पर पकाएंगे, देखिए एक कलर जब जितने पकेगा उतने ही कलर अच्छा आएगा, चेंज होते जाने पर। देखिए पास से दिखा रहे हैं, अब इसमें कुछ नहीं डालना है, तो इसे हम पका लेते हैं 10-5 मिनट तक, धीमी धीमी आँच पर गाढ़ा हो जाएगा तो इसे हम उतार लेंगे। नहीं तो पतला है, इसे पकाना है।
ये बड़ा होते जा रहा है, टमाटर सॉस इसका कलर चेंज होते जा रहा है। देखिए सकते हैं पास से, देखें कितना सुंदर से तैयार हुआ है। देखिए दोस्तों, अब मैंने कोई मार्केट से टमाटर सॉस खरीद खाना नहीं है, बिल्कुल अपने घर के बनाए टमाटर खरीद कर लाइए। एकदम सब टमाटर एकदम फटाफट अपने घर से टमाटर सॉस बनाइए, अपने खाइए, बच्चे को खिलाइए। देखिए कोई झंझट नहीं है, एकदम आसान तरीके से हम बना रहे हैं। ये टमाटर सॉस तो गाढ़ा हो गया है, तो दो मिनट और इसे हम पकाएंगे, उसके बाद पका लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कितना गाढ़ा होना चाहिए ये टमाटर सॉस। देखिए दोस्तों, हमने प्लेट में निकाल कर देख चेक कर रहे हैं कि हमारा गाढ़ा हुआ है कि नहीं ये टमाटर सॉस। देखिए गाढ़ा हो गया है, दो मिनट के बाद हम इसे उतार लेंगे। देखिए आस्ते आस्ते ही प्लेट से ऊपर से नीचे आ रहा है। देखिए दो मिनट के बाद इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ठंडा कर लिए हैं अच्छे से। देखिए इसका कलर, देखिए पास से दिखा रही हूँ, देखिए गाढ़ा हो गया एकदम टमाटर सॉस मेरा बनकर परफेक्ट तैयारी हो गया है। तो इसे हम बोतल में भर लेते हैं। एक बोतल लिए हैं हमने टमाटर सॉस वाला, हमने मार्केट से जो मंगाए हैं टमाटर सॉस वो ख़त्म हो गया है, तो इसी बोतल में हम भर लेंगे। अब हमें मार्केट से टमाटर सॉस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम बोतल में भर करके रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने मोटे वाले एक क्लोथिंग कट कर लिए हैं, उसको हमने बना लिए एक कॉपी जैसे, तो ठोंगा जैसन बना करके इसमें बोतल में भर लिए हैं। अब अंदर इसको होल्ड किए हैं, तो इसमें हम टमाटर सॉस भर लेंगे, भर के अपने बोतल में, इसी से हम बोतल में भर लेंगे। देखिए इसी तरह हम सारे को भर लेंगे। देखिए नीचे जा रहा है, तो इसी तरह हम सारे बोतल में भर करके रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा टमाटर सॉस बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए हमने बोतल में भर लिए हैं टमाटर सॉस वाला। तो देखिए हमने एक से दो महीने तक हमने टमाटर सॉस खरीदने के या कोई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी से बच्चों सबको बहुत पसंद आता है। तो हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें। तो हमारे वीडियो आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।